हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपसे बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के जो भी आपके इम्पोर्टेंट नोटिस हैं कि किन किन चीज़ों के आपके रिज़ल्ट आ चुके हैं, कौन सी आपकी मेरिट आ चुकी है वेटिंग लिस्ट वाली, तो वो पूरी ही डिटेल हम बात करेंगे। और हॉस्टल्स के भी आपके फॉर्म डिक्लेयर कर दिए गए हैं, तो उसकी भी मैं आपसे बात करूँगी। तो यहाँ पर जाके आपको jmi.ac.in पर आपको एक क्लिक कर लेना है और आपको इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। और जब आपको ये पेज ओपन होकर आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि जो आपके, तो ये देखिएगा यहाँ पर आपका क्या है कि जो आपका डिस्टेंस मोड से जो बच्चे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। दूसरी चीज़, आपके जो नोटिस है, आपका नोटिस फॉर रेगुलर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट थी उनके लिए भी नोटिस डिक्लेयर कर दिया गया है, तो यहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। और जो आपकी MA पॉलिटिकल साइंस एजुकेशन डिस्टेंस मोड की सेमेस्टर की डेट शीट है उसको भी रिवाइज़ कर दिया गया है। और आपका ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका नोटिस है, नोटिस फॉर एनुअल एग्जामिनेशन फॉर्म प्राइवेट कैंडिडेट, जो भी प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनके लिए एनुअल एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं। इसी तरीके से जो आपकी रेगुलर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन है फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस, इसके भी नोटिस डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये तो आपकी एक बात हो गई है। दूसरी चीज़, आपका जो जामिया मिलिया इस्लामिया में आपका RCA का एग्ज़ाम हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, उसकी भी लिस्ट डिक्लेयर कर दी गई है कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ये चीज़ हो गई। और आप यहाँ पर जाकर के एडमिशन रिज़ल्ट पर जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपकी बहुत सारे कोर्सेज की सेकेंड और थर्ड लिस्ट भी आ गई है। तो आप यहाँ पर जाकर लिंक पर क्लिक करके आप अपना जो भी कोर्स है यहाँ पर जाके चेक कर लीजिएगा। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि जामिया मिलिया इस्लामिया में हॉस्टल के लिए जो है, यहाँ पर आप जाइएगा jmi.ac.in पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद आपको ये जामिया की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर जाकर आप देखिएगा, नीचे बिल्कुल आपको लास्ट में चले जाना है। एंड जब आप लास्ट में जाएंगे, जब आप लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको हॉस्टल का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जब आप हॉस्टल का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ सीट्स जितनी भी हैं ये देख लीजिएगा, कैंपस A के लिए ये सारी आपकी हैं कि कितनी हैं। और आपको अपना फॉर्म फिल करके 200 रुपये आपके लगेंगे जमा करने में। और ये आपकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स दिखा रखी है यहाँ पर आप, तो आप अपना जो लास्ट डेट दी गई है आपको हॉस्टल के लिए भी, वो आपकी 31st of August दी गई है। यहाँ पर आपकी गर्ल्स की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि गर्ल्स की जो भी डिटेल्स आपको दी गई हैं। एंड दूसरी आपकी क्या है, बॉयज़ हॉस्टल डिटेल मिल जाएंगी। तो आपको जो भी अपना ID कार्ड दिया गया था तो वहाँ पर जा कर के आपको स्कूल हॉस्टल्स की भी आपको ऐसी मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाके आप फिल कर लीजिएगा फॉर्म पूरा और जल्दी से जल्दी आप जाकर अप्लाई करिएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस थे जो मेरे को आपको इन्फॉर्म करने थे। तो ऐसे ही हम अच्छी वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।